तो गाइज यहाँ पे वन विन से विड्रॉल कैसे लेना है और विड्रॉल मिलता है या नहीं है सब कुछ आपको आज क्लियर करने वाला हूँ। तो हर बार मैं वीडियो विड्रॉल के बारे में ज़्यादा बनाते रहता हूँ तो आपको पता ही होगा। तो यहाँ पे देख सकते हो 37,449 रुपीज़ पड़े हुए मेरे अकाउंट में, ठीक है। ये भी विड्रॉल लेके दिखाता हूँ मैं। तो ये मेरी आईडी यहाँ पे देख सकते हो, नाम भी मेरा ही है। तो मेरे पास 5-6 आईडी है, सब आईडी से खेलता हूँ मैं, एक ही आईडी से नहीं खेलना चाहिए क्योंकि बहुत सारे अमाउंट रहता है, इसीलिए विड्रॉल देने के लिए भी लेट भी हो जाता है। आपको 50,000 विड्रॉल नहीं लेना है, आपको मिनिमम 30,000 के अंदर ही विड्रॉल लेना है। अगर आपके अकाउंट में बहुत ज़्यादा अमाउंट पड़ा हुआ है, मिनिमम 2-3 लाख, तो आपको एक ही बार में विड्रॉल नहीं लेना है, नहीं तो आपकी जो भी विड्रॉल है क्यू में रह जाएगी, मिनिमम 3-4 दिन तक विड्रॉल नहीं मिलेगा। तो मुझे देखिए विदिन आधा घंटे के अंदर या 5 मिनट के अंदर मुझे विड्रॉल मिल जाता है क्योंकि मैं देखिए 30,000 के अंदर विड्रॉल लेता हूँ। मैंने विड्रॉल्स की वीडियोज़ बाहर पूरे बनाए हैं तो जाके देख लेना। मैं सबसे ज़्यादा दूसरी आईडी से विड्रॉल लेता हूँ, इससे खाली खेलता हूँ मैं। तो आज इससे भी दिखा देता हूँ कैसे आपको विड्रॉल लेना है, ठीक है। तो गाइस मैं 30,000 और कैसे आपको देखिए यहाँ पे अर्निंग करना है वो तो मैंने ऑलरेडी बताया हूँ। विड्रॉल पर क्लिक करेंगे हम लोग तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा जो दिक्कत आती है वो सबसे पहले इस प्रॉब्लम आती है। सब लोग क्या करते हैं यहाँ पे आस्ट्रो मनी या पेटीएम से इससे उसे लेते हैं, परफेक्ट मनी से, तो उसे नहीं लेना है आपको। अगर आप इंडियन हैं तो आपको क्या करना है, इंडिया पाकिस्तानी जो भी है आप, तो यहाँ से लेना है IMPS से। मैं इंडियन हूँ तो मैं IMPS से भी डॉल लूँगा। तो यहाँ पर देख सकते हो आपको क्या करना है, यहाँ पर जाना है, यहाँ पे आपको सीधे तरीके से बता दूंगा। इसका देखिए मिनिमम विड्रॉल अभी 1200 कर दिया गया है, पहले 1000 रुपीज़ था, कभी कभी 600 भी था पहले। तो यहाँ पे आपको बैंक सेलेक्ट करना है, बैंक सेलेक्ट करके उसके बाद आपको देखिए यूज़र नेम यहाँ पे डालना है, जो आपका यूज़र नेम रहेगा जो बैंक में है वही डालना है आपको। उसके बाद IFSC कोड यहाँ पे डालना है, उसके बाद आपको देखिए यहाँ पे IMPS बैंक अकाउंट नंबर, मतलब आपका अकाउंट नंबर जो है वो डालना है। उसके बाद मैं यहाँ पे 25,000 दिया, आप मैनुअली भी कर सकते हो, तो वो थोड़ा वॉइस ये कर देना थोड़ा क्योंकि बैकग्राउंड में थोड़ा आवाज़ आ रहा है। 30,000 उसके बाद यहाँ पे एक SMS आएगा आपको, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे फुल फिल नहीं किया है, मैं सब फिल कर लेता हूँ। तो यहाँ पे देखिए मेरा जो बैंक रहेगा वो डाल दूँगा, मेरा बैंक जो भी कोई भी है, तो यहाँ पे यूज़र नेम डाल दूँगा यहाँ पे जो मेरा नाम है। उसके बाद जो भी रहेगा यहाँ पे IFSC कोड वो डाल देना है, उसके बाद बैंक अकाउंट नंबर यहाँ पे डाल देना है, उसके बाद ये ऑटोमेटिकली फ्री फिल हो जाएगा। तो यहाँ पे देख सकते हो कितना भी कैरेक्टर आप यहाँ पे डाल सकते हो, ऐसा कोई बात नहीं है, ठीक है। उसके बाद आप अमाउंट क्लिक करना है, उसके बाद कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। तो यहाँ पे देखिए यूज़र नेम मैक्स लेंथ यहाँ पे क्या दिखा रहा है, यहाँ पे देख सकते हो एंटर यूअर नेम एंड सर नेम इन फॉर्मेट, दोनों बता रहा है यहाँ पे। तो यहाँ पे मेरा फुल फिल कर दिया, यहाँ पे कंटिन्यू पे आ गया, यहाँ पे देख सकते हो। उसके बाद यहाँ पे अमाउंट पे कंटिन्यू पे क्लिक करना है, कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे SMS जाएगा जो कि मेरे जो वैलेट नंबर है, ईमेल आईडी है वहाँ पे जाएगा, ठीक है। तो वैलेट यहाँ पे ईमेल आईडी को जाएगा, उसके बाद मेरा जो भी ईमेल आईडी का जो पासवर्ड रहेगा यहाँ पे डाल दूंगा और यहाँ पे कंटिन्यू पे क्लिक करना है। ईमेल आईडी को आपको पासवर्ड जाएगा 67 डिजिट का, तो यहाँ पे डाल देना है, उसके बाद आपको विड्रॉल पे क्लिक कर देना है, विड्रॉल आपको मिल जाएगा। मैं अभी करके देखता हूँ, आप भी कर लेना और विद इन 30 मिनट से लेके 1 घंटे के अंदर आपको विड्रॉल मिल जाएगा। अगर वीडियो अच्छी लगे चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों जरूर से करना। और जो इसका विड्रॉल है प्रूफ मैं आपको टेलीग्राम पर सेंड कर दूँगा गाइज़।